नमस्कार दोस्तों, बेलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी 2+C AGTE 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में यूपी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2003 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। और इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, मृदा के कायापलट में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, केचुए। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। केचुए को अरस्तु ने प्रकृति का हलवा है और मृदा की आंत कहा है। केचुए मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर भूमि में बीट करके मृदा को सरंध्र बनाता है, जिससे मृदा की संरचना में बदलाव हो जाता है। और इसे किसानों का सच्चा मित्र भी कहा जाता है। और इसके द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन एक में दिया गया झोंका रोग, तो झोंका रोग का मिलान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड से फफूद। और धारी रोग का मिलान हो जाएगा यहां पर ऑप्शन फर्स्ट से जीवाणु। और खैरा रोग का यहां पर मिलान हो जाएगा दोस्तों जिंक की कमी से। और टुंगरू रोग का मिलान हो जाएगा विषाणु से। तो यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंपोस्ट कहते हैं। तो कंपोस्ट किसे कहते हैं दोस्तों? कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद को, गोबर की खाद को, कृत्रिम या संश्लेषित गोबर की खाद को, मिश्रित उर्वरक को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ से बनी खाद को कंपोस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर फोर का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो यहां पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 6.6, इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं। तो इनमें से आपको बताना है ओजोन परत पर क्या प्रभाव डालते हैं? जेट वायुयान प्रभाव डालते हैं, सुपरसोनिक वायुयान, मिग वायुयान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सिक्स का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक इनमें से कौन सा है दोस्तों? आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट, कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से कौन रहे हैं? आपको यहां पर सही जवाब का चयन करना है क्वेश्चन नंबर एट में। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलो, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लंबी अवधि के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, अरहर के 200 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी थायरम 75% WTP कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो 150 ग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट,
सेरिकल्चर कहते हैं, तो सेरिकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक मानक के अनुसार मक्खन में कम से कम वसा का अंश होता है तो कितने परसेंट होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर कहते हैं, तो एपीकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, चीकू उत्पादन में प्रथम स्थान वाला देश इनमें से कौन सा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, धान की रोपाई के लिए सतह से उपयुक्त गहराई होनी चाहिए तो कितने सेमी सतह से गहराई होनी चाहिए, तो 16 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 सेमी। नेक्स्ट, गाय की दुधारू नस्ल इनमें से कौन सी है दोस्तों, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, साहिवाल गाय की दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट, जीवांश की संक्रियता से, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए में गन्ना दिया है, गन्ना का मिलान हो जाएगा ऑप्शन फोर से 800 क्विंटल। ऑप्शन बी में है आलू, आलू का मिलान हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट से 200 क्विंटल। धान का मिलान हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड से 50 क्विंटल और बाजरा का मिलान हो जाएगा 25 क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, मुर्गी की भारतीय नस्ल इनमें से कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, असील, असील मुर्गी की भारतीय नस्ल है। नेक्स्ट, NDRI स्थित है, तो NDRI कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, करनाल में स्थित है दोस्तों NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है इनमें से, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेयरी विकास से, ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है और इस योजना के सूत्रधार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, जिनके योगदान से यह योजना प्रारंभ हुई और इस योजना को श्वेत क्रांति नाम दिया गया था। इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं दोस्तों, प्रथम चरण 1970 से 81 तक, द्वितीय चरण की बात करें तो 1978 से 85 तक, तृतीय चरण 1987 से 94 तक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सागौन पाया जाता है, तो सागौन कहाँ पर पाया जाता है, भूमध्य रेखी वनों में, मानसूनी वनों में, ज्वारी वनों में, शुष्क वनों में, तो आप लोग 23 का आंसर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसूनी वनों में सागौन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, वनों के प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान इनमें से क्या कहलाता है, तो यहाँ पर 24 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट, एस्कार्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका सही जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कर्वी रोग। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 26 से, भारत में ग्रामीण बैंक कब से प्रारंभ हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कृषि साग को नई दिशा एवं बढ़ावा देने के लिए एम नरसिम्हन समिति के सुझावानुसार 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मुरादाबाद तथा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हरियाणा में भिवानी, जयपुर राजस्थान, मालदा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में स्थान इनमें से आपको बताना है,
27 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट, SFDA का अध्यक्ष होता है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिलाधिकारी। SFDA भारत में 1971 से 72 में चुने हुए जिलों में शुरू हुआ था। इसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है और यह केंद्र तथा राज्य दोनों द्वारा पोषित होता है और यह एक जिला स्तर का कार्यक्रम है। इसे 1980 में IRDP में विलय कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बरेली में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना देश में लागू हुई तो कब लागू हुई दोस्तों? तो आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रैल 1989 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जवाहर रोजगार योजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी वर्ष 1989 से 90 में लागू किया गया था और बाद में इस योजना को 1 अप्रैल 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में समाहित कर दिया गया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना की गई है तो कहाँ पर की गई है? आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों। भारत में केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना पुणे में की गई है और इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IMD की स्थापना की बात करें तो 1875 में पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी और पुणे से ही मौसम की ताज़ा जानकारी प्राप्त होती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा से जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, 32 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्रिस्टलन, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। मृदा से जल की हानि वाष्पीकरण, वाष्पोसर्जन, रिसाव बहाव, निचालन द्वारा होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, क्रिस्टलन के द्वारा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की पत्तियां काली पड़ जाती हैं, हरी पीली हो जाती हैं, ललोई हरी हो जाती हैं, अप्रभावी रहती हैं। तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरी पीली हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक मुख्य तत्व इनमें से नहीं है? तो 34 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट, गाय की विदेशी नस्ल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयर शायर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट, 36, भारत में आलू लाने वाले थे आर डच, फ्रांसिस, पुर्तगाली। तो 36 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अफीम प्राप्त किया जाता है तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाइपेवर सोमनी फेरम से अफीम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? तो 38 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल नलकूप, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फूल गोभी का जो अंश खाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, शरद ऋतु का फूल इनमें से कौन सा है दोस्तों? आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या बनेगा? बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र में होती है।
तो 41 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का जन्म स्थान इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया नींबू का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीजीय जैव उर्वरक का मुख्य इस्तेमाल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चावल में। नेक्स्ट, भारत में उत्पादन नहीं हो रहा है, इनमें से किसका उत्पादन भारत में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन का। नेक्स्ट, रक्षक फसलें कहलाती हैं, इनमें से आपको बताना है रक्षक फसलें, तो यहाँ पर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना प्लस पटसन रक्षक। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पीजीटी परीक्षा 2004 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर भी इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है, यदि मरकरी का स्तर अचानक गिर जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिकतम गर्मी होती है, तूफानी दशा होती है, भारी वर्षा होती है, स्वच्छ मौसम होता है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तूफानी दशा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जायद मक्का के लिए संस्तुत उर्वरक की मात्रा इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120:60:60 NPK प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है, फसल की उपज में प्रति यूनिट पानी जो फसल के वाष्पोत्सर्जन में इस्तेमाल होता है जल उपयोग क्षमता कहलाता है, तो यहाँ पर थर्ड का आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जल उपयोग क्षमता के रूप में। नेक्स्ट, फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादित पदार्थ क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल उपज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है, थ्योरम का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें थ्योरम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बीज शोधन में थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, LER की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा, अंतरासस्यन प्रणाली में LER की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय इनमें से क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई के दो समय हैं, एक अक्टूबर में शरदकालीन गन्ना और दूसरा फरवरी में बसंतकालीन। शरदकालीन गन्ने की उपज बसंतकालीन की तुलना में 20-30% अधिक मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि प्रबंध प्रणाली जिसमें कृषि एवं वनीय फसलें संयुक्त रूप में एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों, एग्रोफॉरेस्ट्री पद्धति, आप लोग ध्यान रखिएगा एग्रोफॉरेस्ट्री पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टि से फसल उत्पादन वाली भूमि जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एरेबल भूमि के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटासिक उर्वरक। नेक्स्ट, उत्पादन का सक्रिय साधन इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। नेक्स्ट, सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम में से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IRDP इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों,
तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति इनमें से कौन सी थी? तो राइट आंसर बनेगा साख समितियाँ। नेक्स्ट, भारत में सहकारिता आंदोलन की कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छिपी हुई अथवा आदर्श बेरोजगारी में सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है, औसत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है, औसत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है छिपी हुई बेरोजगारी अथवा आदर्श बेरोजगारी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूंजी बजट का परिणाम और इसका संचय निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, बचत करने की शक्ति पर, बचत करने की इच्छा पर, बचत करने की सुविधा पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए मार्शल के अनुसार उत्पत्ति हास नियम लागू होता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि में। नेक्स्ट, सामान्य बैठकें प्रायः वे बैठकें हैं जिनमें पंचमेल प्रतिभागिता हो, संभाग प्रतिभागिता हो, सामुदायिक प्रतिभागिता हो, समाज प्रतिभागिता हो। तो 24 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समाज प्रतिभागिता हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फोटोग्राफ क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तथ्यों अथवा विचारों का निदानकारी वर्णन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है, कृषि विज्ञान के केंद्र को क्या कहते हैं? तो कृषि विज्ञान के केंद्र को कृषि ज्ञान केंद्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से उस एक जोड़े की पहचान करें जो सही नहीं है इनमें से, तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रेडियो व्यक्तिगत संपर्क, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नांकित साधनों में से कौन सा साधन एक ही समय में दो ज्ञानेंद्रियों को सन्निहित करता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति संबोधन दिया गया था, तो किसके द्वारा संबोधन दिया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डेनियल बेनोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक गोलमेज परिचर्चा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्यशाला कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, ग्रामीण समाज शास्त्र एक विज्ञान है, किसका विज्ञान है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण समाज का। नेक्स्ट, हम अधिकतम सीखते हैं, तो किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन के द्वारा हम अधिकतम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पहला कृषि केंद्र प्रतिस्थापित हुआ था, तो कब प्रतिस्थापित हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण इनमें से नहीं है दोस्तों? तो 35 का आंसर हो जाएगा संप्रेषण, सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट मेयर का नाम संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इटावा अग्रगामी योजना से अल्बर्ट मेयर का नाम संबंध है। नेक्स्ट, प्रसार कार्य आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जनता की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व इनमें से नहीं है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वसनीयता। नेक्स्ट, चने की खेती में भयंकर समस्या होती है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फली बेधक कीट की। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है इनमें से दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरी बरसी मक्का प्लस लोम्बिया, दो साल, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तोरिया गेहूँ फसल चक्र में तोरिया की बुआई करनी चाहिए, तो कब करनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर के प्रथम पखवाड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42, अरहर प्लस सोयाबीन फसली में सफलतापूर्वक खरपतवार नियंत्रण के लिए निम्न तृणनाशक का प्रयोग किया जा सकता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पेंडीमेंथालीन का। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन निम्न के तुल्यांक है, तो यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.17 kg यूरिया। नेक्स्ट,
भारतवर्ष में उर्वरक का औसत उपयोग इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 90 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है, अगर केवल दो सिंचाई उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजमूल एवं पुष्पावस्था में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में सोयाबीन की बुआई का उचित समय इनमें से क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 जून से 10 जुलाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47, धान की कटाई का उचित समय इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंग के बाद धान की रोपित फसल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा बचाई जा सकती है। तो 48 का आंसर हो जाएगा, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, मक्का आलू गन्ना सूरजमुखी की सस्य घनता होती है तो कितने परसेंट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, 200% होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे चारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दुग्ध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा है इनमें से। तो 51 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुग्ध वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार। नेक्स्ट है, एक होलिस्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है, 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी। तो 52 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 kg। नेक्स्ट, स्ट्रिप का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थनैला रोग में स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, डाई एसिटिल। नेक्स्ट, प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है। तो 55 का आप लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड ज्वर। नेक्स्ट, दुहाई से पूर्व आयन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइड के घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 ppm। नेक्स्ट, डेयरी पशुओं का उत्पाद जीवन होता है तो कितने वर्ष का होता है। तो 58 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष का। नेक्स्ट, अनुवांशिकीय वरण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सांड के चयन में। नेक्स्ट है, गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई होती है। तो राइट आंसर 10 सेमी इसका सही जवाब बनेगा। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरिनो इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वातावरण का स्तर जिसका तापक्रम एक समान रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंपोस्ट क्या है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, स्थूल खाद है। नेक्स्ट, फसल पैदा करने की मृदा की छिपी क्षमता को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्वरता कहते हैं। नेक्स्ट, क्रांति प्रजाति है तो क्रांति प्रजाति आपको बताना है किसकी प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा, राई की प्रजाति क्रांति है। नेक्स्ट, डिस्क हैरो का टिल्ट कोण कितना डिग्री होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 डिग्री। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न पदार्थ इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शर्करा और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोष में पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोष में केंद्र की झिल्ली पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, हवा द्वारा मृदा अपरदन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो 69 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट, पौधों की पत्तियों में ऊतक क्षय कमी के कारण होता है तो किसकी कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है, सूक्ष्म पोषक तत्वों से बनी श्रेणी इनमें से कौन सी है। तो 71 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, FEMN
ZnCuMo इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट रॉक फॉस्फेट है, इनमें से आपको बताना है। तो रॉक फॉस्फेट अविलेय उर्वरक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा में नमी की अवस्था जिस पर पौधे मुरझाना शुरू कर दें उसे क्या कहते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरझान बिंदु कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु की गांठों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दलहनी फसलों की गांठों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 75, किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मटियार दोमट मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो इस क्लास में आपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि 2003 और 2004 का जो UPPGT का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, इस क्लास में कवर कर लिया है दोस्तों। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इसी तरह आप AGTA 2024 की इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन करते रहिए कंटिन्यू। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।